अच्छा, इन प्लेयर्स के बारे में वो कौन सी ऐसी बात है जो किसी को नहीं पता? अहमद शहजाद किसी को नहीं पता, उसको खुद नहीं पता। देख लो यार, ठंड में कुकड़ में है। कुकड़ में कैसे आप? गुड टू सी यू। जहां फैंस वहां स्टेडियम। सो एपिसोड एक नई है और हम रंग भरेंगे, थोड़ा सा जोश भरेंगे, क्योंकि हमारे दो सुपरस्टार्स यहां पे मौजूद हैं, दो ग्रेट ऑलराउंडर्स, और दोनों के साथ मैंने क्रिकेट खेली हुई है। सो एक नेचुरल रब्त है इन दोनों के साथ। सो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे दो चैंपियंस है। पहले मैं दावत दूंगा अब्दुल रजाक साहब, तशरीफ लाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी ऐसे लग रहा है लॉन्ग रन अप से आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि हमने रेजी को बुला लिया है, तो मेरे ख्याल से कि अब दूसरे ऑलराउंडर को भी बुलाना चाहिए, अजहर महमूद। अजहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक हैं। रमीज भाई कैसे हैं? थैंक यू, फिट है भाई? इतना तैयार तो मैंने आपको कभी नहीं देखा जिंदगी। वही है ये, पता था आप लोगों के साथ जो है ना मॉडल कैजुअल किलर है ये, पफशा फुल फुल पफशा आया तो थोड़ा सा तो कुछ दिखाओ अपना। जैसे लाके ब्रिटिश गए, ब्रिटिश गए बैठे तशरीफ। तुम्हें भी मौका था यार। सो कैसा है अब कैसा लगता है रिटायरमेंट एज, कोचिंग? नहीं, मैंने तो रिटायरमेंट नहीं ली, मुझे रजी का नहीं पता कि मैंने ली है या नहीं। तो आप अवेलेबल हैं? मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल। रजी जी, मैं दरअसल इन्होंने जबरदस्ती मुझे कोचिंग में डाल दी है कि रिटायरमेंट ले लो, अब अभी भी नहीं ली। हम दोनों अवेलेबल है जी, अक्सर सुनते हैं कि ऑलराउंडर नहीं है तो हम अवेलेबल है। अच्छा बताओ तो सही, सेगमेंट का नाम क्या है? अच्छा जी, सेगमेंट का नाम है जी 2020। जिसके ज्यादा अच्छे जवाब होंगे वो एंड में जीतेगा। तो मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। क्रिकेट ना होती तो अब्दुल रजाक का करियर क्या होता? क्रिकेट ना होती तो मैं किसी फैक्ट्री में एज ए लेबर काम कर रहा होता और ओवर टाइम लगा के पैसे कमाता। यार बड़ा यार, कौन सा बैट्समैन है जिसको आउट करना अजाब लगता था कि हाय फंस गए थे? ये मैथ्यू हेडन और पॉन्टिंग। अच्छा, इन प्लेयर्स के बारे में वो कौन सी ऐसी बात है जो किसी को नहीं पता? अहमद शहजाद। किसी को नहीं पता, उसको खुद नहीं पता। उसको खुद नहीं। जी अच्छा जी, आगे सरफराज अहमद। सरफराज अहमद अगर वो थोड़ा सा अगर विल पावर का अपनी उठाए ना, तो उसको ये नहीं पता कि अगर विल पावर दिखाएगा तो ये प्लेयर डिफरेंट नजर आता है। विल पावर। नसीम शाह। हार्ड वर्किंग का उसको नहीं पता, अपने मसल को डेवलप करने का नहीं पता कि मेरे मसल डेवलप करने हैं तो मैं स्ट्रेन कर सकता हूँ इस लेवल पे, अदरवाइज वो अनफिट होता रहेगा। उमर अकमल। उमर अकमल ये है कि थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड है, इसको अपना माइंड थोड़ा सा राइट करना पड़ेगा, ऑफ द फील्ड आके इसको क्रिकेट पे फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा क्रिकेट ऑफ द फील्ड खेली जाती है, तो फिर जाके ये कमबैक कर सकता है। किसकी कैप्टनसी में खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल है? आसान यूनुस खान की। अच्छा, वो क्या डिक्टेट था? यूनुस खान फाइनल था हमारा T20 का, तो 3 ओवरों में मैंने 21 रन देके 3 आउट किए, तो मैंने कहा पायन मैंने ओवर करा दिए, उन्होंने संभाल के रखा हुआ, अभी तक संभाल के रखा हुआ है। रैंक करें ऑलराउंडर्स को, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, वसीम अकरम, आमिर सुहेल। सबसे अच्छे वसीम अकरम, और उसके बाद जो है कि अजहर महमूद, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कैरियर शुरू किया, और हर प्लेयर के साथ ऐसे ही होता है। मेहरबानी, मैं नाल बैठा। नहीं नहीं, ऐसी नहीं बात, मुझे इस चीज का नहीं है कि साथ बैठे हुए हैं। हाँ। कि अगर ये इससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, सही, पर अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं हो सकते। सही बात है। और बाकी शायद अफरीदी खेल के क्रिकेट अपनी जितनी उन्होंने खेलनी थी, अपने पोटेंशियल पे, उनका टैलेंट था, अग्रेसिव प्लेयर और मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। और एंड में आमिर सुहेल। आमिर सुहेल भाई सीनियर थे हमारे, वो बिल्कुल उनके साथ कम मैचेस खेले, तो वो उनका बस। अगर आप पर फिल्म बनाई जाए तो आपका किरदार किसे करना चाहिए?
फिल्म लव स्टोरी की दूसरी वैसे तेरे करियर में काफी सारी स्टोरी थी लव स्टोरी फिल्म देखे फिल्म की स्टोरी होती है हॉरर या लव स्टोरी या एडवेंचर कौन सी अपनी जिंदगी पे देखे अगर मैंने ये सोचा था कि अगर मैं फिल्म बनाऊ तो मैं खुद उसमें एक्टिंग करूँ और अगर ना ऐसा मौका मिले तो किसको कहेंगे सेकंड किसको करेंगे कोई एक्टर या कोई जनरली देख पाकिस्तान के शान है बड़े अच्छे हैं तो एक दो दूसरे भी हैं जिन्होंने अभी वो ड्रामा लगा क्या रखेंगे जी नाम फिल्म का नाम फिल्म का मैं ये रखूंगा मेहनत का फल मेहनत का फल एचपीएल के इन स्टार्स को ऑर्डर में रैंक करें इमाद वसीम शान मसूद शाहीन शाह इमामुल हक हसन अली एक दो तीन चार करके देखें हसन अली सबसे पहले मैं कहूँगा और शाहीन शाह दूसरे नंबर पे हैं तीसरे पे इमाद है और चौथे पे शान और इमाम पांचवे पे करंट एचबीएल पीएसएल टीम में सबसे ज्यादा नखरे किस प्लेयर के हैं देखें नखरों में तो जो थे वो बाहर हो गए हैं तकरीबन समझ आ गई हाँ जी तो ये नखरे अच्छे भी लगते हैं जो प्लेयर नहीं खेल रहे नखरे अच्छे भी लगते हैं कि जो परफॉर्म कर रहे हो ना उनके अच्छे भी लगते हैं जो ना परफॉर्म कर रहे हैं तो नखरे तो फिर जरा परेशानी होता है बात चलो जी कमाल किया रिजीमिया रिलैक्स करो आप अजहर महमूद हैं लाइन हाजिर हो रहे हैं नहीं बाउंसर नहीं है हाफ बॉल पहला सवाल है जी अपने कौन से फैसले को सबसे ज्यादा रिग्रेट करते हैं आप पाकिस्तान की कप्तानी ना लेके रियली ये कब हुआ था 2001 में जब मुझे ऑफर हो रही थी कप्तानी तो क्या कहा आपने मैंने जनरल साहब से कहा था जनरल साहब थे उस वक्त तो मैंने उनसे कहा था सर मुझे क्रिकेट खेलनी है मुझे कप्तानी का कोई वो नहीं है मैं अपनी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ इसको थोड़ा एलिब्रेट करूं जरा हाँ जी उन्होंने मुझे भी कहा था और बाद में पता चला था उनकी हैबिट थी नहीं मेरा तो बकायदा जो है ना अच्छा ये हो गया था कि उन्होंने आके जिस वक्त हम लोग सिंगापुर गए हैं उस वक्त भी उन्होंने आके बात की थी कि हम जिस मर्जी को यंगस्टर को बेशक कप्तान बनाएं तो वो आई थिंक दैट वाज रिग्रेट ओके अच्छा जी कौन से बड़े बैट्समैन को आउट करना आसान लगता था और किसको आउट करना सबसे मुश्किल जी मैंने और रजाक ने और शुएब ने मेरा ख्याल सचिन को हमने सबसे ज्यादा आउट किया मेरा ख्याल 10-10 दफा हम तीनों ने आउट किया हाँ। और वो ये था कि सचिन के खिलाफ अगर खेल रहे हैं वो मेरी वनडे की पहली विकेट भी थी तो ये था कि क्वालिटी प्लेयर था लेकिन और जो सबसे मुश्किल मुश्किल जो था वो आई थिंक एडम गिलक्रिस्ट था वो क्योंकि वो ऐसा प्लेयर था आई थिंक वसीम भाई भी यही कहते हैं कि वो लेंथ इतनी जल्दी पिक कर लेता था कि जरा सा शॉट हुआ तो उसने आपको पुल मार दी आगे हुआ तो आपके सर के ऊपर थे कौन सा सीनियर प्लेयर था जिससे एडवाइस लिया करते थे और किसकी बिल्कुल नहीं लेते थे गो टू गाय एंड नॉट गो टू गाय गो टू गाय आई थिंक इंदी भाई और किसे अवॉइड करते थे आमिर भाई आमर भाई ना के पूरा नाम ले पता नहीं चलता आमर काफी हो जाएगा पता है हमें मोहम्मद आमिर जी तो वाइल्ड लैंड तो रिया में अच्छा जी नया निकनेम्स दे इन प्लेयर्स को नया निकनेम्स को मैं आपको बताता हूँ शोएब मलिक कामरान अकमल मुश्ताक अहमद इंजी और वसीम अकरम निकनेम दे इनको शोएब मलिक मलिक को क्या देंगे साइलेंट किलर साइलेंट किलर कामरान अकमल रजी तू बता मेरी हेल्प करना यार मुश्किल है बता प्लीज क्या था हाँ कुछ ये भी दे सकते ना इसमें बिल्कुल जल्दी टोल यार कामरान प्लीज माइंड ना करना वैसे मजाक सही बात है कोई बात नहीं मुश्ताक अहमद एवरीथिंग इज राइट अच्छा ओके इंजी इंजी भाई बिग ब्रदर ओके और वसीम अकरम गुरु गुरु ओके किसकी कैप्टनसी में खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल और रमीज भाई मेरा ख्याल है मैं तो 11 कप्तानों के अंदर खेला हूं मतलब सारे हाउस टाइम पे सारे आपने भी कप्तानी की आमिश भाई ने भी की सईद भाई ने किसको सबसे मुश्किल कौन सा था आई थिंक आमिर सुहेल भाई जो है ना वो मुश्किल डिमांडिंग थे हाँ जी वो उनका अपना एक स्टाइल था उनका ठीक है ऑन फील्ड सबसे ज्यादा स्लेजिंग किस प्लेयर के साथ की थी आपने किसको सबसे ज्यादा गालियां दी यार और तेरी मैं इंडियन प्लेयर्स सबको इंडियन प्लेयर अनिल कुंबले लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हुआ हम लोग जो आप थे उस सीरीज में शायद टेस्ट सीरीज में
उसमें यूसुफ ने उसको छक्का मारा तो उसने उसको बड़ी गालियां दी यूसुफ ने। नहीं, गाली का नाम बताएंगे? नहीं, यहाँ नहीं दे सकता ना, लोग देख रहे हैं टीवी पे। नहीं, कोई नहीं, तो हमने उसको उसको कहा कि यार इसको नहीं ऐसे कर दे। अच्छा जी, खुशामद करने में कौन सा प्लेयर सबसे आगे रहा है? नाम लेना पड़ेगा, मजा नहीं आया। खुशामद कौन है? खुशामदी उमर अकमल और एक अहमद शहजाद। मतलब ये इनको पता होता था कहाँ हमने मक्खन लगाना, मक्खन लगाना। खवातीन में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप? ये भी बता दें, ब्रिटिश के पाकिस्तान। ब्रिटिश या पाकिस्तान? यस, गुड। इनोसेंट होना, इनोसेंट होना जी, ठीक। इनोसेंट, क्या बात, क्या इनोसेंट। इन वर्ड्स को सुन के सबसे पहले किसका नाम आता है? या अल्लाह खैर। नाजुक, मोहम्मद आमिर। अच्छा जी, लड़ाका, गुस्से वाला। आई थिंक मैं ही था जी, क्योंकि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता था। और मजाया, आई थिंक मोहम्मद यूसुफ। या जी, और मुंह भट्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यूनुस खान। और एक्टर? एक ही है, एक ही है। तो ये तो निकाल देनी चाहिए कैटेगरी। अरे बंदे ने यही, आपने जरा लंबा करना था, एक्टर। अच्छा अच्छा, मेरे फोन पे उसका नाम जो है ना, श्वेत एक्टर लिखा हुआ है, अख्तर नहीं लिखा हुआ। ये तो गए बस। अच्छा जी, आखिरी सवाल है, कौन सा प्लेयर है जिसको क्रिकेट के अलावा हर चीज में दिलचस्पी है? उमर अकमल है, इनको तो मैंने कह दिया था कि आप दुआ शुक्र करेंगे, आप बड़ी खूबसूरत नहीं है, जितने ही कपड़े पहनते हैं, अगर ये खूबसूरत होते मिलते। भाई कुछ मेरे लिए है तो इस जवाब में तू जीत गया यार। नहीं, मैंने तो एक और प्लेयर को भी कहा था, मैंने कहा देखो सारे इंग्लिश का कोर्स करते हैं, तुम उर्दू का कोर्स करना चाहते। सही बात है, सही बात। एंडी वही साहब हो गया, एक में कोजी उत्तु सुती उठी। वो तो खत्म हो गया काम, आप दे रहे हैं। देखो मेरी बात, जी जी, आपने कोशिश की है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं बदला नहीं लूंगी। आई थिंक, अच्छा मेरी, अच्छा बात सुने, अच्छा मेरी बात सुने, नहीं अच्छा, मैंने तो बिल्कुल बिल्कुल फेयर करें काम। उसकी एक पोस्टर बनाए उसकी गर्लफ्रेंड का, खड़ा कर दें आप, और तस्वीर लेके देखे आपको देखे। यार तू माफी मांगे, देखो बड़ा मजा आया हमें यहाँ पे, और हंसाया दोनों ने, बहुत हंसाया। लेकिन कॉम्पिटिशन सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा, वहाँ पे हमारे जो प्लेयर्स हैं जो हमें नहीं ज्वाइन कर सके, वहाँ पे उनका कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, बाय सिक्योर बबल में, बबल में वो खेल रहे हैं। Exactly. तो मुकाबला वहां पे भी सख्त है, शाहीन शाह अफरीदी फ्रॉम लाहौर कलंदर्स वर्सेस शान मसूद फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स। तो आइए देखते हैं कि कैसा रहा उनका मुकाबला। लाइन क्रीज, पिच कर लो क्रीज, बेल्स बेल्स विकेट, जरूरत हो तो फेंक देते हैं। नो आइडिया,
स्टेप थे कदम बाबर बुलबुले बनाए बराबर जावेद जिम जब जावेद तो यही मजा आता है ना, जो ये कंपटीशन एक नजर आता है मुझे, आई एंजॉय द फैक्ट कि बड़ा ये सीरियसली इसको लिया जा रहा है। बट इसी तरह जो है हमारा ये सेगमेंट रैप अप होता है और आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। ये सेगमेंट का नाम है स्पॉट द स्पिन। यहाँ पे कार्ड्स होंगे, फैन जो है वो मेरे साथ और एक फैन जैनब के साथ वहां पे जाएंगे और रजाक और अजहर जो हैं ये हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कार्ड पे लिखा क्या हुआ है। सो पहले अब्दुल रजाक सर, मैं आपको कहता हूँ वहां पे आए हैं और मैं और ये लाहौर कलंदर्स की फैन यहाँ पे जाएंगे हम। आपने सर पे रखना है ये कार्ड, उन्होंने मुझे बताना है ये क्या है। ये चलो जी शुरू। बॉल आएगा, हाँ जी, और अजी आएगा, बॉल वो पकड़ेगा, हाँ, और वो जो है ना विकेटों को लगाएगा। स्टंप, यस। चलो जी इधर रखो जी, अगले चलो। बैट्समैन है, हाँ, और ओवर खत्म हो गए और वो खेल रहा है। ओवर खत्म हो गए वो खेल रहा है, बैट्समैन है, ओवर खत्म हो गए वो खेल गया। लास्ट मैन, फिर से और बता। और 200 स्कोर उसने किया है और ओवर खत्म हो गए वो खेल रहा है। नॉट आउट, यस। चलो जी। क्रिकेट में जब बॉल लगता है हाथ पे तो वो कुछ पहने होता है, ग्लव्स। चलो, हाँ, वेरी गुड, वेल डन यार। बॉल आया और बैट्समैन से बीट हुआ तो सीधा बॉल गया एक प्लेयर के पास, कीपर के पास, विकेट कीपर, यस। चलो, वेरी गुड। बॉल आया और टांग पे लगा और लेग बिफोर, यस। यार रजी, वेल डन रजी। कैसा ओवर द विकेट, चलिए लग दे। ये मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे पता नहीं। चलो जी आगे आगे। एक बैट्समैन है, उसने भागा वो और भाग के उसने काफी रन किए। और एक ऐसी चीज है जब मैच शुरू होने से पहले सब खड़े हो जाते हैं, कौमी तराना, ये ठीक है। दुनिया का सबसे लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर था वो पाकिस्तानी था, वसीम अकरम, यस। हाँ, तुम इधर है, वो फैन यहाँ पे उठाएगा और अजहर तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। मर गए, चलो जी। ओवर के रन की समझ, तुमने सिर्फ दो गलत की है, दो गलत। बॉलर ने बॉल की, बैट्समैन ने डिफेंड किया, निक एज, हाँ सही है। चलो, बॉलर ने बॉल किया, आधी पिच से ऊपर पड़ा और बाउंसर, ये तो इशारा भी कर रहे हैं साथ। जब स्टेडियम में होता है चौका लगता है उसके बाद लोग काफी वो करते हैं, वो बाजरा होता है, कुछ बाजरा होता है, किस पे बजता है। सही बात, नहीं बाजरा होता है, नहीं किसी पे बाजरा होता है, जोर से आवाज निकलती है उसमें से, स्पीकर, यस। बहुत दूर की कंट्री है, अभी पाकिस्तान ने वहां का टूर किया है रिसेंटली, अभी इस सीरीज से पहले, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गेम से पहले सब लोग करते हैं हडल, नहीं वार्म अप हडल उससे। यार ये क्या होता है यार, हां सही बात, बॉलर ने बॉल की फिर लेकिन बैट्समैन हट गया, हां, तो अंपायर क्या इशारा करता है, बॉलर जो है वो अक्सर करते हैं बॉल को रिवर्स, बॉल को क्या करते हैं, वो बनाते हैं क्या, और क्या करते हैं, ये स्वेट लगा के क्या करते हैं, शाइन करते हैं, बनाते हैं।
ग्राउंड में इसको क्या कहते हैं जो रस्सा लगा होता है, बाउंड्री। यस सही, वेल डन यार। दो यार, बंदे जब काफी देर तक बैटिंग करते हैं हाँ। उसको क्या कहते हैं? बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया, लेकिन एक विनर, क्लियर विनर हमारे सामने खड़े हैं यहाँ पे, अजहर महमूद। अजू भाई बहुत बहुत आपको मुबारक हो, एंजॉय किया बहुत जबरदस्त, स्पेशली अपने यू नो अपने दोस्त को हराने के बाद। नहीं नहीं, हार जीत तो गेम का हिस्सा है, मतलब हम लोग इसीलिए क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी शो गेम इसलिए खेलते हैं कि हार जीत गेम का हिस्सा है। आई थिंक ये पफ में भी जीत गया सर, ये विनर है पफ में, अब पहली दफा बना ना तो इसमें जीत गया। गुड लक, मुझे पहले पता होता तो मैं हर दफा पफ में आगे जाता। हमारा जो एपिसोड है वो भी हो गया है सेट, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कौन था जिसकी नकल तू इतनी जबरदस्त उतारता था मोइन के, वो जो बबली है, बबली राजा साहेब।